हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का OCM और ये है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, आज का वीडियो भी उसी कड़ी में शामिल है। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फियोल पढ़े थे, जो कि जनरल गाइडलाइंस की तरह मैनेजमेंट वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को सफलता दिलाने में मदद करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी सोचो तो सोचो लेकिन साइंटिफिकली सोचो और निर्णय एकदम रोक ठोक से ले लो। यस, इसी से ऑर्गेनाइजेशन श्योर शॉट सक्सेस हासिल करेगा। यहां पर कुछ भी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर 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 अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए और जो प्लेलिस्ट सेक्शन है हमारा उसे भी जरूर देखिए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की तो ये चेहरा आना चाहिए दिमाग के अंदर, ये हैं F.W. Taylor। जी हाँ दोस्तों, F.W. Taylor ये एक जबरदस्त से मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। ये अमेरिकन हैं और इन्होंने अपना जो करियर था एज अ मशीनिस्ट एक छोटी सी स्टील वर्क कंपनी में शुरू किया था, लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने वर्क अपना हार्डवर्क से और प्रोग्रेस किया और चीफ इंजीनियर तक ये पहुंच गए। और यही काम करते करते इन्होंने कई ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके जरिए ये हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो समझा पा रहे हैं। दोस्तों, खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि इनके जो कंट्रीब्यूशन थे, इनका जो काम था, उस काम के लिए इन्हें जाना जाता है। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है हमारे F.W. Taylor। जी हाँ दोस्तों, F.W. Taylor के करियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कि उन्होंने खुद पहले एज अ मशीनिस्ट काम किया और फिर स्लोली ग्रो किया। उन्होंने अपने करियर के अंदर चीफ इंजीनियर बने और यही उनके कारकिर्दी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, जहां पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और आज हमारे समक्ष ये उनके प्रिंसिपल्स आदर्शों की तरह सामने आए हैं। दोस्तों, यहां पर आखिरी कुछ शब्द मैं आपको बता दूं जो खुद F.W. Taylor के जरिए बयां हुए हैं हमारी टेक्सटबुक के अंदर। अगर आप देखें तो डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय फ्रेडरिक टेलर, तो F.W. Taylor क्या कहते हैं? वो कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट, तुम्हाला काय हवं आहे, मेंट टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट व्हाट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। मतलब है ना, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताऊं तो F.W. Taylor का मानना है कि काम करो ना तो करने से पहले उसको करने के 3-4 बेस्ट तरीके ढूंढ लो और फिर उन 3-4 अच्छे तरीकों में से कोई एक चुनो जो सबसे बेस्ट हो और तब आपका फेल होने का चांस जीरो हो जाएगा और सफलता डेफिनेटली आएगी। यहां पर आप साइंटिफिकली सोचेंगे कि यार एक काम को करने के कितने तरीके हैं और वो करने में कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है। यही होता है साइंटिफिक सोचना, यही है साइंटिफिकली आपको आगे लेकर जाने का सबसे आसान सा मंत्र, यही है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल्स। तो ये हमारे समक्ष दिए हैं F.W. Taylor ने। चलिए अब प्रिंसिपल्स के ऊपर नजर डालते हैं और प्रिंसिपल्स की जब बात आती है तो दोस्तों हमारे सामने है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और ये कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का आंसर है। और आसानी से इसे समझने के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए और हमारे इस आंसर को आसानी से लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, इस शॉर्ट कोड के जरिए सारे पॉइंट्स 6 के 6 आसानी से आप समझ जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में हम सिर्फ यही समझ रहे हैं कि यार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस थी और ये भी जनरल गाइडलाइंस के रूप में ही हमारे समक्ष आती हैं। सिर्फ यहां पर साइंटिफिक सोच है, नजर
और नजरिया थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पर हम ज्यादा तरीके ढूंढते हैं, ज्यादा सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चुनते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है मेंटल रिवॉल्यूशन, जो कि है अप्रोच से रिलेटेड। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर हमें F.W. टेलर बताते हैं। इसके अलावा डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना सुनाया पॉइंट है, हमने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स में डिविजन ऑफ वर्क पढ़ा था दोस्तों, और ठीक उसी तरह से डिवीजन ऑफ वर्क तो होना ही चाहिए। F.W. टेलर कहते हैं वर्क के डिवीजन के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी डिवीजन होना चाहिए, किसी एक के सर पे सारा ठीकरा नहीं फोड़ देना चाहिए, जिम्मेदारियों का भी बंटवारा होना चाहिए। यस, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा MDH के अंदर डी से जो अगला पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बहुत जरूरी है। कई वर्षों तक लोग काम करते रहते हैं ऑफिस में, कंपनीज में, लेकिन उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ ही नहीं होता। कहीं ना कहीं ग्रोथ करवाना भी बहुत जरूरी है, कंपनी का उत्तरदायित्व है, मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अच्छी ट्रेनिंग के जरिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साथ में ग्रो कर पाएंगे, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स के अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल में एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है हार्मनी का, यानी यार वर्किंग एनवायरमेंट में खिचपिच चाव चाव नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतभेद, ईगो क्लैशेस, झगड़े नहीं होने चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, वर्किंग एनवायरमेंट हार्मनी का, कोऑर्डिनेशन का, तालमेल से भरपूर होना चाहिए ताकि सब मिलकर एक लक्ष्य को पा सकें दोस्तों। इसके अलावा अगला प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। जी हाँ, ये कहते हैं कि भैया साइंटिफिकली सोचिए और साइंटिफिकली सॉल्यूशंस निकालिए, सिर्फ ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम मत कीजिए। इसी को कहते हैं नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में हम सोचते हैं अरे ये कर लेता हूं, अरे वो कर लेता हूं, चल उससे करके देखते हैं, उससे हम श्योर नहीं होते, तब हम रूल ऑफ थंब, हमारी गट फीलिंग के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए, ऐसा F.W. टेलर कहते हैं। ही सेज साइंस नॉट रूल ऑफ। इसके अलावा आखिरी पॉइंट की बात करें तो यह है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहां आपको याद आएगा दोस्तों एक पॉइंट हमने किया था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं सोचना है, आपको कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और आंसर का नाम MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट यहां पर जो निकल करके आता है वो है MDH में M फॉर मेंटल रिवॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, बात जब मेंटल रिवॉल्यूशन की करते हैं तो ये आपके एटीट्यूड और आपकी सोच को बदलने की बात हो रही है। F.W. टेलर जो फादर माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो कहते हैं भाई दिमाग से शुरुआत करो, मेंटल रिवॉल्यूशन लाओ, आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच, आपका स्टाइल बदलो, तभी तो आप रिजल्ट्स को बदल पाएंगे। और इसीलिए टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन, उन्होंने इस मेंटल रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लाया। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन एटीट्यूड। तुम्हारा एटीट्यूड बदलना चाहिए, काम करने का तुम्हारा तौर तरीका जो है ना वो एकदम जोशीला होना चाहिए, काम करने के लिए आप तत्पर होने चाहिए और काम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए भी तैयार होने चाहिए। यस, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, बहुत जरूरी है कि उनका एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति टूवर्ड्स ईच अदर चेंज हो। कई बार हम बॉस को बहुत ज्यादा बॉसी होने की वजह से अलग थलग समझने लगते हैं, बॉस कई बार एम्प्लॉयज से बहुत पटेली में बात करता है। ये जो अप्रोच है ना, ये मेंटालिटी जो है ना कि यार वो अलग है, मैं अलग हूँ, मैं थोड़ा साहूकार, वो थोड़े कम, ये चेंज होना जरूरी है। ये एटीट्यूड अगर चेंज होता है, सब अपना समझ के एक दूसरे के साथ काम करते हैं ना, तभी रिवॉल्यूशन होता है और तभी सफलता प्राप्त होती है। और इसीलिए मेंटल रिवॉल्यूशन की यहाँ जरूरत है। बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी अहमियत क्या है ये समझना चाहिए, एक दूसरे के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ये समझना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। तो ये लास्ट लाइन को मार्क कर दीजिए, इससे होगा क्या मेंटल रिवॉल्यूशन से, इट विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, क्या बदलना है, मेंटली एटीट्यूड बदलना है, एक दूसरे के प्रति का व्यवहार बदलना है, कोऑपरेशन लाना है, और इसी से इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, मेंटल रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट जो है MDH के अंदर वो आता है D से, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने
हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था दोस्तों। डिवीजन ऑफ वर्क में काम का बंटवारा बहुत जरूरी है स्पेशलाइजेशन लाने के लिए। उसी प्रकार जिम्मेदारियों का भी बंटवारा होना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटनी जरूरी है। किसी एक के ऊपर सारी जिम्मेदारियां डालना भी गलत है और इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिवीजन होना चाहिए। जी हाँ, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी अकंपनीड, अकंपनीड मतलब उसके साथ, वर्क के डिवीजन के साथ क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होना चाहिए। किसमें? बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉय, यानी मैनेजर अपनी जिम्मेदारी खुद ले, एम्प्लॉयज अपने काम की जिम्मेदारी लें। इस तरह से जब रिपोर्टिंग किसको करना है, क्या है वो पता हो, तो आप जिम्मेदारी से वो काम को पूरा भी करेंगे। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल और एग्जीक्यूशन का जिम्मेदारी किस पे है, एम्प्लॉयज पे, वेर एज एम्प्लॉयज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। यानी देखिए जिम्मेदारी को कैसे बांटा है, टॉप लेवल मिडिल लेवल प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन कौन करता है, जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज है वो करते हैं। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देयर सुपीरियर्स, मैनेजर शुड, ब्रैकेट में डाल देना भाई, मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प एनकरेज गाइड, हेल्प एनकरेज गाइड, हेल्प एनकरेज गाइड, यानी दोस्तों मदद करनी चाहिए, सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज करना चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए ताकि वो लोग मोटिवेटेड फील कर सकें, इंस्पायर्ड फील कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को अपना मान करके काम कर सकें। इट हेल्प्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज, क्या होता है इससे, बेस्ट परफॉर्मेंस निकल करके आता है। तो यहां पर दो पॉइंट्स आसान से, एम डी एच में एम फॉर मेंटल रिवॉल्यूशन और डी से डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है काफी आसान सा पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहां पर अगला पॉइंट है एमडीएच में डी से ही डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, काय के लिए, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। बघा डेवलपमेंट कोणाचा करायचा आहे, एम्प्लॉयरचा पण आणि एम्प्लॉईजचा पण, कशासाठी, ग्रेटर एफिशियंसी साठी आणि मॅक्सिमम प्रॉस्पेरिटी साठी। यानी दोस्तों ज्यादा प्रॉफिट्स के लिए, बिजनेस की ज्यादा तरक्की के लिए आपको हमेशा बदलते दौर के साथ बदलना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा और वो ग्रोथ तभी आएगा जब आप अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट की भी सोचेंगे और इसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, अंडरलाइन कर दो भाई, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कोणासाठी, एम्प्लॉयज साठी। बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट हो एम्प्लॉयज का, उनके स्किल्स के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सफलता निर्भर होती है और इसीलिए अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। तो उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमेशा रखे जाने चाहिए, वेन एवर रिक्वायर्ड, इट इज वेरी एसेंशियल, इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, इसी से प्रॉफिट में इजाफा होगा। ऑर्गेनाइजेशन, ईच एम्प्लॉय शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अटेन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा डेवलपमेंट जैसे जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए अलग अलग एम्प्लॉयज को मिलेगा, वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी में भी फर्क पड़ेगा, इंक्रीज आएगी और उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता, उनकी एफिशियंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये था एक और पॉइंट हमने अभी अभी पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, ये है एच से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी यानी अच्छा वातावरण, वर्किंग एनवायरनमेंट साफ सुथरा, अच्छा क्लीन, नो पॉलिटिक्स वाला होना चाहिए, ईगो क्लैशेस नहीं होने चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को प्रेरणा देने वाला, इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला और एक दूसरे को हाथ पकड़ करके आगे लेकर जाने वाला एनवायरनमेंट ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सफलता दिलाता। और वही यहां पर कहा गया है दैट F.W. टेलर कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में हार्मनी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार हमारी बात नहीं सुना, हमारी मांगे पूरी करो, अपन हड़ताल करेगा, हड़ताल कैसा, अपन कैसा, अपनी मांगे कई के लिए नहीं सुन रहा। ये जो झगड़े हैं ना, ये झगड़ों से कभी भी मैटर सॉल्व नहीं होते, कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से, बातचीत से, डायलॉग से, डिस्कशन से ही मैटर सॉल्व होते हैं। और इसीलिए एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट को आपस में हार्मनी रखनी है। दिस कोऑर्डिनेशन विल बी
हेल्पिंग इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, इसी कोऑर्डिनेशन से, इसी तालमेल से इनका कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरमेंट. क्या क्रिएट करना है? हेल्दी वर्क एनवायरमेंट क्रिएट करना है. क्या क्रिएट करना है? हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट. क्या क्रिएट करना है? हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल दैट इज सक्सेस. ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमाइजिंग और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज ऑल्सो. तो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी लाना है तो भैया हार्मनी होनी चाहिए. मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज का सोचना है और एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट का सोचना है. दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है. ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा. अगर ये दोनों समझ जाएं तो तालमेल बना रहेगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी. उम्मीद करता हूं MDH आपको समझ गया होगा. दोस्तों हमने देखा मेंटल रिवॉल्यूशन, पहला पॉइंट हमने देखा. दोस्तों यहां पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, मेंटल रिवॉल्यूशन ये पहला पॉइंट हमने देखा. यस, इसके बाद हमने देखा डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अभी अभी हमने देखा दोस्तों यहां पर अगला पॉइंट जहां डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज और एच फॉर हार्मनी. यहां पर अपना MDH यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, MDH. अब बढ़ते हैं आखिरी कुछ पॉइंट्स की ओर. ये है साइंस एंड कोऑपरेशन. जी हाँ, साइंस एंड कोऑपरेशन. तो साइंस एंड कोऑपरेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं. FW टेलर के प्रिंसिपल्स को ही हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहते हैं और इसीलिए तो भैया ये साइंस के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, नॉट ऑन द रूल ऑफ थंब, यानी ट्रायल एंड एरर बेसिस पर कुछ नहीं होगा. एक बार रीड कर लेते हैं दोस्तों, क्या फॉलो करना है? साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब. इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड्स डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क. म्हणजे तुम्ही जे काही गट फीलिंग ने निर्णय घेताय, जो भी डिसीजन तुम गट फीलिंग से ले लेते हो, जो भी डिसीजन तुम बिना सोचे समझे ले लेते हो, ऐसे मेथड को, ऐसे तरीकों को सब्स्टिट्यूट कर दो. उसकी जगह कौन सा मेथड अपनाओ? वो जिसमें साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक एनालिसिस है. रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. मुझे ऐसा लगा तो मैंने कर दिया और बाद में मुंह की खाया फ्लॉप हो गया. दोस्तों आपको जैसा लगता है वैसा मत करने जाइए. आप सोचिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, आप सोचिए साइंटिफिकली कि क्या सही रहेगा, क्या बेस्ट हो सकता है, कितने और तरीके हैं काम को करने के, और फिर ही आप डिसीजंस लीजिए. यस, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे एंड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर. क्या? नॉट बाय ट्रायल एंड एरर. क्या? Not by trial and error. इसके अलावा दोस्तों standard required time and standard output should be defined by the manager. Manager को पहले ही कितने समय में काम होगा और उतने समय में कितना काम होगा ये तय रखना चाहिए. उसके हिसाब से घड़ी देख के बोलने का, भाई तूने बोला था आधे घंटे में हो जाएगा, हुआ क्यों नहीं भाई? दू एक चमाट लाफा दू एक. भाई साइंटिफिकली काम करो ताकि आपको पता हो कितनी देर में काम होने वाला है और कितनी देर में हो जाना चाहिए और क्या आउटपुट उससे आना चाहिए. यस, दिस विल हेल्प इन सेविंग टाइम. इससे क्या होगा? सेव होगा टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी. साथ ही साथ इट विल रिजल्ट इन टू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. जो आपने सोचा है वैसा काम हो पाएगा, बड़े ही आसानी से आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. अकॉर्डिंग टू टेलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट्स इन टू बॉक्स कार्स, आयरन शीट्स बॉक्स इन टू कार्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान. यानी यहाँ इस उदाहरण के जरिए, इस एग्जाम्पल के जरिए तो टेलर भाई साहब कह रहे हैं कि यार छोटे से छोटा ही काम क्यों ना हो, खाली आयरन शीट्स को बॉक्स में पैक करके कार में रखने का काम है. वो भी साइंटिफिकली सोचो कि यार उठा के मजदूरों को बुलाएं, कि भाई कोई ट्रेलर ट्रक टेम्पो से डलवाएं, किस तरह से आसानी होगी और नुकसान भी नहीं होगा, कैसे आसानी से हम उसे लोडिंग कर पाएंगे, अनलोडिंग कर पाएंगे, ये सोचकर ही डिसीजंस लिए जाने चाहिए. मतलब छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा काम, हर काम में साइंटिफिकली सोचो, ऐसा हमारे टेलर भाई साहब कह रहे हैं. उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. साइंस फॉलो कीजिए, नॉट द रूल ऑफ थंब. तो बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर. क्वेश्चन का नाम है भैया Principles of Scientific Management और आंसर का नाम MDH, Science and Cooperation. MDH, Science and Cooperation. आखिरी पॉइंट हमारे सामने, Cooperation, not Individualism. Cooperation, not Individualism. Cooperation, not Individualism. इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आपको एक दूसरे से कोऑपरेट करना है.
इंडिविजुअलिज्म को बाद में, पहले टीम को, पहले ऑर्गेनाइजेशन को प्राथमिकता देनी है। कभी भी आप देखिए कोई भी खेल हो, टीम गेम है, तो खिलाड़ी जो है पहले टीम की जीत के बारे में सोचता है, खुद के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में वो कभी नहीं सोचता। कभी भी ये नहीं सोचता यार कि मेरी सेंचुरी हो जाए बस, बाद में टीम गई भाड़ में, ये कोई नहीं सोचता। दोस्तों आप टीम के लिए खेल रहे हैं और इसीलिए आप टीम के लिए ही सोचेंगे और यही कोऑपरेशन और तालमेल आता है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये कहते हैं कि यार म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन वर्कफोर्स दैट इज एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच एक तालमेल होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इंटू हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट। आहा, ट्रस्ट होगा, टीम स्पिरिट होगा, भरोसा बढ़ेगा और इससे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बढ़ेगा। यहां कोई नारा नहीं लगाएगा हमारी मांगे पूरी करो, यहां पर सबकी मांगे समझ चुके होंगे मैनेजमेंट वाले और दिल से उनको अपना बना करके काम कर रहे होंगे और इसीलिए कोऑपरेशन बहुत जरूरी है ताकि सफलता का स्वाद सभी चख सकें। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आप एम्प्लॉय को अपना समझोगे तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझेगा और अपना समझ के जब वो काम करेगा तो चार चांद लगा देगा सक्सेस में। यस, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज शुड रेजिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स फ्रॉम मैनेजमेंट। तो यार एम्प्लॉयज को भी समझना है और मैनेजमेंट को भी समझना है, दोनों को तालमेल से कोऑपरेशन करना है। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर दोस्तों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसी के साथ ही आखिरी पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दोस्तों आंसर का नाम MDH, साइंस एंड कोऑपरेशन। MDH, साइंस एंड कोऑपरेशन। MDH, साइंस एंड कोऑपरेशन। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स, मेंटल रिवॉल्यूशन, डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, डी से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इसके अलावा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट है। इस वीडियो के जरिए आपको 6 के 6 पॉइंट आसानी से समझ गए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, और सुपरस्टार बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ जाइएगा। हमारा फ्री बैच है फॉर महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स। यहां पर हम लगातार आपके लिए फ्री रिसोर्सेस लेकर आते रहते हैं, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए और जुड़ जाइए सुपरस्टार बैच के साथ। दोस्तों आपको करना है एग्जाम में चमत्कार, क्योंकि आप हैं महाराष्ट्र के सुपरस्टार। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।